भाई आ जा भाई। खैर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू दाऊद व्लॉग्स। आ जाओ माशाल्लाह, आ जा आ जा। खैर अब देखे इन्होंने हॉल क्या किया हुआ है। बेबीज तो हमारे चले गए, छोटे छोटे थे इतने प्यारे, लेकिन क्या करते, इस शहजादे की वजह से ही दिए हैं। वो फिर इसे मारते थे, उनका घर था, ये नया था, वो भी बड़े हो गए थे। अब कैसे हो, क्या है, सारा काम खराब किया हुआ है। देखो तो सही, खा जाते ये भी, सिर्फ पत्ते खा लिए इन्होंने। और देखो बेला भी आ गई। खैर इनकी सफाई करनी पड़ेगी यार, ये देखेंगे सही। सोच रहा हूँ क्या सोच रहा हूँ, लेकिन सफाई नहीं करेंगे तो यार इनको फंगस वगैरह हो जाएगी। तो अब हमें इनसे प्यार है तो इनके लिए सब कुछ ही करना पड़ता है। कैसे है, लेकिन ये खुशी है कि इंशाल्लाह इनके बेबीज जो होंगे ना, रेड आइज वाले प्यारे प्यारे, उनको अपने पास ही रखेंगे हम। कैसे, आज इसका नाम भी रखते हैं हम यार, काफ़ी दोस्तों ने सजेस्ट किया, इसका नाम भी आज रख देंगे। कैसे है हीरो, चलो इनके मैं सफाई करता हूँ, टाइम तो लगेगा बहुत, धूप भी है। क्या है, अभी कुछ नहीं डालने वाला मैं घास, ये खाते ना गंदे बच्चे। खैर करते हैं सफाई। ये देखें जी, सफाई मैंने कर लिया माशाल्लाह। कैसे है हीरो, घास डालते हैं, घास डाल देता हूँ, फिर बैलेंस टेला भी आ जाएंगे। लेकिन इतना घास डाला हुआ था, ये खा खा के ना सुकून में है। देखो फिर भी डालते हैं इन्हें। आ जाओ भाई बैलेंस टेला, आ जाओ। अब और नहीं डाल रहा, ये खा लेंगे तब भी डालूंगा, वरना बुरा हाल कर देते। आ गई स्टेला भी आ गई। बेला आ जाए ना, माशाल्लाह क्या पेट भरा हुआ है, खाओ। खैर इन्हें पानी डालते हैं अब हम। बस माशाल्लाह अंदर घुस गया, ये खाने का मूड नहीं है, खा खा के पेट फुल है इनका। खैर चलो अभी इन्हें करते हैं बंद। कैसे, थोड़ा थोड़ा खा के फिर भाग जाता है अंदर। आ गई बैला भी आ गई, बैला भी आ गई। कैसी हो, नहीं भाई आजकल नाराज चल रही है, और इसके जो बिहेवियर है ना उससे लग रहा है कि शायद ये प्रेग्नेंट है, पता नहीं, सुस्त हुई पड़ी है। खैर वैसे ठीक है ये, बस मैं यही कहता हूँ कि रेड आइज वाले बेबीज दे देना बस, प्लीज प्लीज रेड आइज वाले, अपने पे ले जाओ, अपने पे कभी लेके ही नहीं गए ना ये। खैर चलो अभी इन्हें बंद करते हैं, पानी भी डाल दिया, घास भी, ये खा लेंगे तो और घास डालूंगा मैं, फिर मिलते हैं। ओके जी बाय बाय। ये देखें जी हम आ गए अपनी मुर्गियों के पास, फीमेल डक अभी भी बैठी है, ड्यूटी तक कुछ और करती, माशाल्लाह। खा लो खा लो बीस्ट, कैसा है, चलो भाई खाने को देते हैं। अरे हट जाओ तुम, उधर जाके खाओ। गया नहीं भाई तू, क्यों नहीं गया, किशा सोखा वैसा के मतलब, उस दिन तो उसने तो आधा भी, मैं आज रात लगा वैसा। क्या है क्या है, कैसा है, वो ठीक है बीस्ट, वो ठीक है, खेल रहे हैं। क्या है बस कर भाई, देखते हैं अपनी डक को, ये बैठी है वो सोई बढ़िया है। अब देखो इसका फेस उधर है, इसने कैसे कवर किया, बस बेबीज आने वाले हैं, जल्दी से आ जाएं माशाल्लाह।
ये हम आ गए रैबिट्स का घास काटने। माशाल्लाह हमारा मैंगो फार्म देखो यार, ऊपर ऊपर से काट फिर ना, ये खाते नहीं है, पत्ते खा जाते हैं बाकी ऐसे रखते हैं, समझ रहा है? घास काट के फिर चलते हैं, दूध निकालते हैं गाय का, ब्यूटी बीस्ट को डालते हैं, फिर चलेंगे दोबारा बैल स्टेला के पास। ये देखें जी, ये स्पेशल डाइट, असद कहता है ये लेकर जाओ ऊपर ऊपर से, ये जो फूल बने हुए हैं ना इस तरह, ये रैबिट्स बड़े शौक से खाते हैं। देखते हैं बैला स्टेला भी खाती है कि नहीं। चलो ये भी डाल दे गट्टू में। देखें जी असद बेच तोड़ा है, कह रहा अफ्तारी के बाद खाएंगे। ये पड़ा है, ये नहीं पड़ा, गंदे वाला बीस को डाल दिया हमने, अब ब्यूटी के बाढ़ गया। पीलो पीलो शाबाश, माशाल्लाह पीलो पीलो शाबाश। चलें जी ब्यूटी को भी डाल दिया, आप चलते हैं हम घर बेला स्टेला के पास और मेल के पास। माशाल्लाह ये देखिए हम वापस आ गए, इन्हें घास डाल दिया मैंने माशाल्लाह, और अब मैंने किसका नाम डिसाइड कर लिया है, और इसका नाम है बनी। ये हमारा प्यारा सा बनी, कैसे नाम है आपका आज से बनी? ठीक है मेल, पसंद आया आपको? माशाल्लाह आज हम इसे बनी बुलाएंगे, बनी बेला और स्टेला माशाल्लाह। फिर इनके बेबीज होंगे रेड आइज वाले इंशाल्लाह। चलें जी अब ये खा रहे हैं, अब इन्हें बंद कर दूंगा, रात को फिर देखूंगा और घास डाल दूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। कैसे है बनी आप बोल दो? रेड आइज देखें कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, बेला से भी ज्यादा रेड आइज की है। ओके जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।